हरे रंग का झंडा तो आपने देखा होगा, जिसमें चांद बना रहता है, तारा बना रहता है, क्रिसेंट मून उसे कहा जाता है या क्रिसेंट और स्टार उसे कहा जाता है। लेकिन उसको लेकर दरअसल कुछ संशय भी बन जाता है, बन ये जाता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क, जैसे कि दुश्मन मुल्क भी माना जाता है पाकिस्तान, उसका ऑफिशियल झंडा दरअसल वही होता है। और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी। उन्होंने एक पटिशन दरअसल दाखिल की है और ये कहा है कि उस झंडे से आपसी जो सामाजिक माहौल है वो बिगड़ सकता है, ऐसे में उस झंडे को बैन कर देना चाहिए। आप सभी नमाज अदा करके आ रहे हैं, आप ये बताइए कि आप ये जो पिटीशन दाखिल की है इससे कितने सहमत हैं आप? इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। पहली बात तो ये है कि कब तक पाकिस्तान का सबूत देते रहेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान है। हर बात पर जो भी कोई बात होती है पाकिस्तान आगे आ जाता है। कब तक यहाँ का मुसलमान ये कहेगा कि हम हिंदुस्तानी नहीं है? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा आप बताइए कि झंडा जो इमारतों पर लगाया जाता है, मस्जिदों पर लगाया जाता है, हरे रंग का झंडा जो होता है, ये माना जाता है कि वो पाकिस्तान का ऑफिशियल फ्लैग है, ऐसे में वो दुश्मन मुल्क है, तो इस तरीके के झंडे से सामाजिक माहौल बिगड़ सकता है, उसे बैन किया जाना चाहिए। आप कितना उचित मानते हैं? हाँ जी, आप कहना चाहेंगे? अरे आप बताइए, अपनी राय रखिए। नहीं, कलर जो बनाया है वो सब में खत्म कर दो ना, फिर उस कलर को क्यों ला रहे हो? फिर चांद तारा जो है, मतलब सब में दिखाई देता है, उसको मार का क्यों बना रहे हो? तो ये तो वो जो है ना, अपने उजाले के नहीं है, रोशनी के नहीं है, ये फैल रहा है। अच्छा, शिया वक्फ बोर्ड का ये भी मानना है कि दरअसल इस्लाम में, कुरान में इस बात का जिक्र नहीं है, झंडे का जिक्र नहीं है। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? आप यंग हैं, बताइए। Why you are using this tag? मैं इस पर भी बात करूंगा, इस पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले आज ये वसीम रिजवी जी ने किया है, हमारी ये नहीं। हाँ, वो ठीक है, लेकिन वो भी किसी कंट्री का फ्लैग है। जैसे अमेरिका का अपना एक फ्लैग है, इंग्लैंड का अपना एक फ्लैग है, जैसे अपना भी ये फ्लैग यूज कर रखा है, तो बैंड नहीं कर सकता किसी को भी। इंडिया का अपना एक फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग अमेरिका में भी ले रहा था और अमेरिका का फ्लैग इंडिया में ले रहा था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अब ये अर्जी पहुंची है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं इससे माहौल बिगड़ता है, तो आपको लगता है कि वाकई इस तरीके का जो झंडा है वो उतार देना चाहिए? देखो, माहौल बिगाड़ने वाली बात जहाँ तक है तो वो हमारे ही समुदाय के लोग, मतलब हम में से कुछ है जो इस माहौल को बिगाड़ते हैं। तुम एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को टारगेट नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं। जैसे कि आपने अभी ये टैग, प्लीज फोकस ऑन डेट, ये आपने शर्ट पहन रखी टैग की, अमरीका की है, तो आप कैसे कर सकते हो? इसमें दलील पीछे ही है ना, दरअसल दलील ये है कि ये पाकिस्तान का ऑफिशियल फ्लैग है, अमेरिका से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, अमेरिका से हम बहुत कुछ सीखते हैं, अमेरिका में टेक्नोलॉजी है, वहाँ के लोकतंत्र से हमने बहुत सी बातें ली हैं, इसलिए शायद आप ये देख रहे हैं। तो इस पर लगाना, जब कोई डिस्प्यूट होगा तो शायद हम भी नहीं लगाएंगे। जहाँ तक किसी कंट्री की फ्लैग की बात आती है, तो हम किसी कंट्री की फ्लैग को अपमान नहीं कर सकते, मतलब उसकी धज्जियाँ नहीं उड़ा सकते, वो भी एक उसकी एक इज्जत है। अच्छा ये बताइए कि ये जो झंडा है हरा रंग का, मून है जिसमें, चांद है, तारा है इसमें, ये इस्लाम का अभिन्न अंग है क्या? नहीं, कोई अभिन्न अंग नहीं, अभिन्न अंग नहीं है ना। ये बात मैं आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि वसीम रिजवी का कहना ये है कि ये अभिन्न जो अंग नहीं है इस्लाम का, इसे इस्तेमाल जरूर किया जाता है, कई देशों के झंडों में ये है, लेकिन इससे अगर माहौल बिगड़ता है तो फिर इसको बैन कर देना चाहिए। ये बात पर आपकी रजा या आपकी सहमति असहमति जानना चाहता हूँ आपसे। आप बताइए आपका नजरिया, और कोई अपना नजरिया रखना चाहता है? हाँ जी सर जी, आप वरिष्ठ नागरिक हैं, आप कोई नजरिया रखना चाहते हैं? हाँ जी सर, इमाम जी। अच्छा, तो इस बात से सहमति आपको लगता है इस पर विचार तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हमारे इस बातों से अगर किसी को तकलीफ होती तो हम इस तरह का काम नहीं करें। ठीक है, तो हमारे साथ अमन-अमान बना रहे, हम वही काम करें। ठीक है, अगर कुछ ऐसी जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है कि इमारतों पर जो झंडे विवाद करते हैं वो ना लगाकर तिरंगा लगा दिया जाए, तो उस पर आपकी सहमति होगी? हाँ, सहमति है इसमें क्या? आपकी सहमति होगी इस पर? आपकी सहमति होगी इस पर? हाँ जी बिल्कुल, ये देश हमारा, हम यहाँ लगाएंगे। और बाहर का तो झंडा बिल्कुल नहीं लगा सकते। ठीक है, किसने कह दिया आपसे? चलिए आखिरी सवाल ये ले लेता हूँ आपसे, रिजवी जी ने पता नहीं कैसे आप बोल लेते हैं, वो गलत है। अच्छा, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान इसको हिंदी भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ सभी धार्मिक के लोग रहते हैं, वो भी मिलजुल के रहते हैं। सपोज यार, मान के तो दिखाने के लिए, अपने आगे बढ़ाने के लिए, मैं कुछ बन जाऊं इस मारे, मतलब जो है ये तो नए नए फतवे लगा रहे हैं। ठीक है, तो रिजवी साहब जो है वो हमेशा एक विवादास्पद चेहरा रहते हैं, वैसे ही वो स्टेटमेंट्स देते हैं, तो आपको लगता है कि कोई सियासी एजेंडे को वो फॉलो करते हैं, किसी सियासी एजेंडे को बढ़ाना चाहते हैं?
नहीं, भावनाओं को समझ सकते हैं आप, इनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। और कोई कुछ अपनी राय रखना चाहेगा? आप रखना चाहेंगे जी अपनी राय? चलिए ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम मदीना मस्जिद में मौजूद थे नोएडा की, और जो रिजवी साहब ने पिटीशन दाखिल की है उसमें दलीलें उनकी दरअसल ये हैं कि वो जो झंडा है वो पाकिस्तान का हुबहू ऑफिशियल झंडा है, उसको इमारतों में लगाते हैं तो माहौल बिगड़ सकता है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को वक्त दिया है कि 2 हफ्तों में वो जवाब भी दाखिल करे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही ये तय करेगा कि वाकई माहौल बिगड़ता है या फिर वसीम रिजवी किसी सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। इस वक्त मदीना मस्जिद नोएडा से मैं कैमरामैन अर्शद खान के साथ कुलदीप सिंह पठानिया R9 TV के लिए।